भाई बड़ी दुख वाली बात है, आज मैं भाई के साथ बैठा हुआ था, लाइव आ रहा था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो भारी यश आया, पहले यश के पास चलते हैं। जस्ट भाई सुबह ही आ गया वो, यश भाई के पास, और यश भाई ने खोली दुकान, तो हम जा रहे हैं उसी के लिए बोर्ड लेने, है ना भाई। हाँ, यश भाई ने खोली इलेक्ट्रिशियन की दुकान, तो भाई देखो मेरा दाने लिख लिया है, तो हम भाई के साथ ही जा रहे हैं फिलहाल तो लेने। तो भाई बोर्ड हमने यहाँ से लिया, और ये वाला ही बोर्ड है। यश भाई तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ इसमें? इसमें यश, ये सोलंकी इलेक्ट्रिकल हो रहा, और यश सोलंकी हो रहा। अच्छा, चलो ठीक है यार, बढ़िया। हाँ जी, ये इधर आ रहा गया है, तुम्हारा मकान ऐसे है ना जैसे मेरा। हाँ जी, तो इधर भी आ रहा हो गया, ऐसे भी ऐसे दिख रहा है। ठीक ठीक है। तो जस्ट भाई ले तो लिया हमने, और चलते हैं लेके। तो अभी अंकल ये समझा रहे हैं कहाँ से बांधना है, कहाँ से नहीं बांधना, जो भी है। बाकी भाई तरक्की कर लिया हमारे यश भाई ने, मेरा नाम भाई का। अब तो फिर कब है, कब कब है ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग? ठीक है भाई, मंडे को भाई की ग्रैंड ओपनिंग है। तो भाई यश के तो आ गए घर पर, कहाँ पर कैसे करके यहाँ लगेगा, मतलब यहाँ वानी लगेगा। चलो सही है भाई। यश भाई तो अभी अंदर गए हैं बोर्ड वगैरह धरने और गाड़ी की चाबी लेने। तो अभी चलते हैं भाई की दूसरी शॉप पर, जो उन्होंने कहीं और कर रखी है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उस वाली शॉप पर। तो आ रहे हैं भाई अभी गाड़ी की चाबी लेकर। भाई शायद घर ही कहीं करेंगे दुकान, इधर वाले घर में आस पास कहीं पर। तो यहाँ पर खोलेंगे ना वो सेकेंड दुकान होगी, और जो जहाँ पर है ना वो वहीं रहेगी, और जो खोलेंगे वो सेकेंड दुकान खुलेगी इनकी। सही है भाई, लाइफ में ऐसी तरक्की करनी चाहिए जैसे हमारे यश भाई ने करी। आ जाओ भाई। भाई भाई आ गए हैं। तो यश भाई चले, चलो ब्रो स्टार्ट करो हायाबूसा XL100। तो भाई बाइक की ये शॉप है, तो हम जस्ट अभी आगे पहुँचे हैं। तो भाई सामान वगैरह खरीद रहे हैं अभी, तो मतलब ले रहे हैं भाई। भाई की दुकान से तो हम आ गए हैं, अब जाने घर की तरफ, क्योंकि जो सामान लेना था वो अभी इन पर था ही नहीं यहाँ पर। तो रास्ता भी थोड़ा बहुत हमें याद नहीं है यहाँ का, मुझे इसे तो याद है, आता रहता भाई। यार पता नहीं कैसा, कहाँ कहाँ लिया है ये, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो एक गांव सा लग रहा है, देहात में आ गए हो जैसे। ओ भाई धूल, भाई ट्रोली खाली हो रही है ना, उसमें से निकल रही है। सॉरी सॉरी, वो गाड़ी यूपी से आई है दिल्ली में, है ना, हम तो अपने ही हैं दिल्ली में ही हैं। भाई तुम इस विक्की को 30 से ऊपर भगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल है? शर्म करो भाई। अब रास्ता अब मिला है काफ़ी देर बाद ढूंढने के बाद, क्या भाई अब अपनी तरफ जा रहे हैं। अब ये रोड जो जा रहा है ना, ये जा रहा है भजनपुरे की तरफ। भाई बहुत टाइम बाद समझ आया कि हाँ भाई सारे रोड पर हैं हम, ठीक है। और भाई हमारे ना इसमें विक्की में ना बिल्कुल ब्रेक नहीं है भाई, पता नहीं कैसे चला लेते, मेरे से तो चलती नहीं है, सो तो मैं कभी चलाता ही नहीं। तो भाई जाम लग रहा है यार। यश भाई हाँ खुल रहा, खुल गया खुल गया खुल गया, नाजिम खेदते मीटर, इसमें ब्रेक भी नहीं है भाई, ऐसा जो बात है। ब्रेक मार के दिखाना, देखना रुक रही है कहीं नहीं, रुक रही है अभी भी ब्रेक मारने के बाद भी, मतलब धीरे चल रही है। भाई यश भाई के यहाँ पहुँच चुके हैं, और यश भाई बाहर हैं, मैं अंदर आ गया हूँ जस्ट। तो चलते हैं भाई, मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ। यश भाई जा रहा हूँ मैं भाई। ओके ब्रो, मिलते हैं फिर बाद में। ओके, और मंडे को याद है ना फिर? जी, मंडे को उद्घाटन है तुम्हारी? ठीक है, मंडे को मिलते हैं। मंडे को क्या, वैसे तो मिल ही जाएंगे। भाई क्यों हो गए तबीयत खराब, देख सकते हो जैसे भाई क्या हो गया, तबीयत खराब मत कर यार। भाई की तबीयत खराब नहीं है, भाई आए घर पर आज, जस्ट सरप्राइज दिया है भाई ने। भाई आज पता क्या सीन हुआ, आज बहुत तगड़ा सीन हुआ है, सीरियसली बहुत तगड़ा वाला। आज पता है क्या हुआ, जस्ट मैं छत पर था, तो भाई जैसे आए ना छत पर, और भाई मैं पहचानने में बिल्कुल मतलब पहचान ही नहीं पाया कि भाई हैं। सीरियसली मैं सोच रहा कोई और है, मतलब कोई और आया हुआ है जैसे, क्योंकि घर पर आज वर्क वगैरह हो रहा था इस चक्कर में। तो भाई पता है बाद में मेरे से क्या कह रहे, कह रहा इसका पता नहीं मूड ख़राब है, पता नहीं क्या है, मेरे को दो भाई मैंने सीरियसली बताऊँ दो बार देखा भाई को, और दोनों तरफ मतलब इग्नोर से कर दिया, इग्नोर से क्या मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब मैं सोचा कोई और है। फिर मैंने जस्ट भाई ने जब आगे पास में बोला ना और गौरव, मैंने भैया तुम मैंने है ये कैसे हुआ, मेरे को लगा भाई कोई और है। और भाई इस चक्कर में आज भाई ऐसा हो गया मेरे पास, सी मैं इग्नोर मैंने कर दिया भाई को इग्नोर, पता नहीं कैसे गलती से आज भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पूरी ज़िंदगी में कि भाई को मैंने इग्नोर कर, मतलब इग्नोर मैंने जानबूझ के नहीं करा, कभी भाई सोच रहे हो प्रैंक व्रैंक कर रहा हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं की क्या बात है नहीं भाई ब्लॉग चला जा रहा मैं बता रहा हूँ बात में जानते ब्लॉग में
चुपचाप ले जाओ ऐसे खत्म कर। तुम मुझे 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 मानते हो किसे मानते हो? पहले बताओ, पहले बताओ। मैं बता, चटनी फेंक दूंगा मैं इज्जत सोपे वो। अरे ये तो खा लो, चलो खाओ तो सही। क्या? अरे पकड़ो तो जाते दिखाऊंगा मैं तुम्हें। एक ट्रिक है भाई, बानु भाई 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 चीटिंग कर रहे हैं यार मेरे साथ। बहुत इन्होंने बहुत तगड़ा वाला स्कैम कर दिया। पैसे दिए हाथ में ही रहे। हाँ, और भाई ने दिए मेरे को, भाई ने दिए मेरे को पैसे। अब बताओ मेरे को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? नहीं, कमेंट में बताओ। अरे भाई लाइव थोड़ा चल रहा है, कल बताएंगे। बड़ा भाई में नहीं, भाई नहीं, छोटे भाई से लूंगा। ऐसे की नहीं होती है, पर रख ले चुपचाप। भाई रुला रहे हैं मेरे को इतनी देर से, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो आईडी का नाम बताओ अपनी एक बार, हिम्मत बताओ। भाई भरत कश्यप करके एक आईडी मिलेगी, अन्य मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस आईडी का। तमाम मैसेज करनी है, बोलने भाई से पहले बढ़ा देना, फॉलो कर करके पढ़ कर परेशान कर देना बिल्कुल, ठीक है? तो भाई बड़ी दुख वाली बात है, आज मैं भाई के साथ बैठा हुआ था, लाइव आ रहा था, और लाइव पे सिर्फ चार बंदे आए चार मिनट में, और चार में से भी दोनों अनसब्सक्राइब कर दिया। वाओ, ये हमारी वो है, क्या कहते हैं उसे भाई, क्या कहते हैं, इज्जत। हमारी इज्जत वो कर दिया नीलाम भाई, ये इज्जत, ये रेपुटेशन कर दिया है, ये सपोर्ट है तुम्हारा है भाई। चार बंदे आए लाइव में, वो भी चार मिनट बाद आए, और उसके बाद भी दोनों अनसब्सक्राइब कर दिया। यार अच्छी बात नहीं है तुम्हारी, कोई बात नहीं। तो भाई फिलहाल तो ब्लॉग देख रहे हैं, ब्लॉग डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं भाई को। हाँ, मोटिव करने भाई, जो जो अनसब्सक्राइब करके गया ना चैनल मेरा, मैं बता रहा हूँ उसके रात भर पेट में दर्द होगा। उसके रात भर पेट में दर्द होगा, और चैन की सांस, तेरे सांस तो ले लेगा। गाइस मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत तगड़ा स्कैम कर दिया आप सभी ने, मैं आपको क्षमा नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। तो भाई भी करने लग गए आज तो ब्लॉगिंग, क्यों भाई? बिल्कुल आज तो भाई ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दिया भाई ने। तो ये कल का जो ब्लॉग आएगा उसकी शॉर्ट क्लिप बना बना के भाई डालेंगे। मेरा चैनल है कश्यप भरत करके, मैं इनकी फेसबुक की आईडी और इंस्टाग्राम की और चैनल का लिंक सब डाल दूंगा। और उस बात को ना बिल्कुल मत भूलना जो मोमोज वाली बात थी, याद है वो मुझे भी और इन सबों को भी। भाई कमेंट कर करके ना परेशान कर देना, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैसेज कर करके। भाई देखो यार दाने वाने निकल गए मेरे, पता नहीं कैसे निकल गए। गर्मी कहाँ हो रही है भाई, कल बारिश हो रही थी, उससे पहले मेरी तबीयत खराब हो रही थी। दवाइयों का असर है, ये सही बात बोली है भाई ने। 7 करोड़ नहीं यार, पब्लिक को गुमराह नहीं करा जा रहा बिल्कुल भी। मैं अपनी ऑडियंस से बिल्कुल सच बोलता हूँ, और सच बोला आज मैंने, तो इन्होंने 2 सब्सक्राइबर मेरे मार लिए भाई, 2 सब्सक्राइबर काट लिए आज मेरे। मेरा बड़ा मूड ख़राब हो रहा है, और जस्ट अभी 5 सेकंड के अंदर, मतलब 4 मिनट के अंदर अंदर मैं लाइव आया हुआ था, और सिर्फ मैं थोड़ा बस बात बात कर रहा था, और इतनी देर में 2 सब्सक्राइबर चले गए, और कुछ लोगों के कमेंट आए अच्छे अच्छे, उसको देख के थोड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो कुछ हेटर्स हैं वो अलग बात है, प्यार करने वाले ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑडियंस है मेरी है ब्रो। अरे तुम कहाँ फ़ोन में लगे पड़े हो, इधर इधर लाइव इंपॉर्टेंट बात चल रही है यार। भरत भाई तुम मेरे 2 सब्सक्राइबर, लाइव नहीं चल रहा था, मतलब लाइव इंटरव्यू है तुम्हारा, इंटरव्यू ले आ रहा है यहाँ पर यार। अब मेरा हाथ कब कपाने लग गए? नहीं अब नहीं कब कपा रहे बिल्कुल, मेरे हाथों में बिल्कुल स्टेबिलिटी है, क्योंकि भाई के थोड़ा पैर भी आ गया, उससे थोड़ा सपोर्ट मिल गया मुझे। और जस्ट भाई देखो हम दोनों भाई अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए हैं, सोफा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम इतने अच्छे नहीं लग रहे सोफा, ज़्यादा दिख नहीं पा रहा है थोड़ा, कवर ववर गिर गया इसका, देखो नीचे भाई कोई दिक्कत नहीं है, गिर जाता है। तो भाई हाँ भाई सीरियस क्वेश्चन आ गया मेरे पास अब, तो लेट आया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, देर आया दुरुस्त आया, हाँ आ गया। हाँ तो भाई से पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई की हाइट पहले मेरे से लंबी थी, अब भाई की हाइट मुझसे छोटी है, ऐसा क्यों, वाई? बेतु का सवाल है ना ये, बहुत बेतु का, देख क्या देख रहे हैं,
बेतु के सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ यार, ये तो बेतु के से सवाल हो गए, ऐसे बोर हो जाओगे बे। मतलब मैं भाई आंसर भी देंगे, भाई आंसर क्या देंगे कि पहले मैं कॉम्प्लेन पीता था, अब मैंने छोड़ दिया, धीरे धीरे मेरी हेड कम रह गई है, हैं, या मैंने पीना चालू कर दिया है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं भाई, होता है ये सब, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी तो मेरा ये क्या है, स्ट्रगल टाइम है ना भाई, सही बात है ना। हाँ, जिस दिन उठूंगा मैं 1 मिलियन से ऊपर बाहर जाऊंगा एकदम। यार पिछली बार मैंने वीडियो में बोली थी कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो, अभी तक नहीं करवाए, बेइज्जती फील हो रही है। मैं दो और कम करवा दिए, दो कम हो गए यार, लाइव आती बताओ यार, इतनी घनी बेइज्जती कर दी। बस एक हम जो यूट्यूब पे आए पड़े हैं, यही हमारे को सम्मान नहीं दे रहा। अभी बताओ, सम्मान के लिए हमने लाइव आए थे, हमसे हमारा हक भी छीन लेना, 2 सब्सक्राइबर जो आए थे वो भी चले गए। यो जिगर के छल्लो, तेरा भाई की बल्ले भाई, ये सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा माफी मांगता हूँ। मैं किसी की फीलिंग को ठेस पहुँचाने में मेरा कोई मकसद नहीं था, वो तो हम बस ऐसे ही थोड़ा मजे ले रहे थे। तो कोई बात नहीं गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज यहीं ब्लॉग अपना एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सुनो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, याद से, तो बाय।